वेलकम स्टूडेंट, आप सभी लोगों का द्विवेदी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। दरअसल आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पढ़ने के बाद आपको जरूरी होगा कि इसको रिमेम्बर करें, और रिमेम्बर करने के साथ आप लोगों को ये भी जरूरी होगा आपके लिए कि आप इसको अपनी कॉपी पर भी नोट करते जाएँ, जिससे क्या है कि आपको रिविजन करने के लिए बार बार नेट खर्च ना करना पड़े। ओके, तो फिलहाल हम चलते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के मुख्य दो टाइप होते हैं, मुख्य जो है दो तरह के होते हैं, ये मेन टू टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है आपका मेरिस्टमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो इन्हीं के फिर आगे चल के टाइप हो जाते हैं, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के हो जाते हैं और परमानेंट टिश्यू के। यहाँ अभी आपको डिटेल में पढ़ाने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं इनके बारे में, जो आपको जो है रिमेम्बर करने में आसानी करेंगी, मतलब इनके टाइप को याद करने में थोड़ा सा आसानी होगी आपको। तो सबसे पहले देखें तो सेल आर द कैपेबल ऑफ द सेल डिवीजन। अगर जैसा क्या होता है कि मेरिस्टमैटिक जो टिश्यू होते हैं ये जीवित होते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू कैसे होते हैं? जीवित। और जीवित होने की वजह से इनके अंदर जो सेलें पाई जाती हैं वो सेल डिवीजन कर सकती हैं। उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो सेलें हमेशा जीवन पर्यंत डिवीजन करती रहती हैं और नई सेलों में नई सेलें बनती रहती हैं। मतलब पहले जो सेल मौजूद हैं उनसे डिवीजन होकर के नई सेलों का निर्माण होता रहता है। लेकिन परमानेंट टिश्यू में ऐसा नहीं होता। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि एक समय के बाद, मेच्योर होने के बाद, मेच्योर का मतलब होता है एडल्ट होने के बाद, जैसे हम लोग जवान हो जाते हैं उसी तरीके से मेच्योर होने के बाद में ये सेल डिवीजन नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेच्योर सेल्स इनकैपेबल, INCAPABLE, इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। मेच्योर सेल जो है अपना सेल डिवीजन नहीं कर पाती हैं, किसमें? परमानेंट टिश्यू में। और मेरिस्टमैटिक टिश्यू में भी हमने क्या सीखा? मेरिस्टमैटिक टिश्यू में हमने ये सीखा कि ये जीवन पर्यंत सेल डिवीजन करती रहती हैं। मतलब ये परमानेंट जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है आपका, इसके अंदर की जो सेलें होती हैं, आपने लोगों ने, मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है पिछली वीडियो में जा करके, इस चैप्टर की में देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, कि टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू जो होता है वो कई सारी सेलों से मिलकर के बना होता है। तो सेल आर कैपेबल ऑफ द सेल डिवीजन। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू की अंदर की जो सेलें होती हैं वो इस तरह की क्षमता रखती हैं कि वो अपना सेल डिवीजन कर सकती हैं, मतलब वो सेलें डिवाइड हो सकती हैं। अगला आता है, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू के भी टाइप हो जाते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलेरी। ठीक है, तो एपिकल में क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं एपिकल वाले? टिप्स ऑफ द रूट एंड द स्टेम। ये रूट जो होती है, जैसे जड़ें होती हैं तो जड़ों की नोक पर, जैसे मान लो कि ये जड़ की एक ब्रांच है तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो टिप्स ऑफ द रूट एंड द स्टेम। ऐसे ही मान लो कि ये स्टेम है आपका तना पौधे का, मैंने ऐसे बना दिया है, तो इसके टिप पर पाया जाएगा कौन? एपिकल टिश्यू। लेटरल क्या होता है? बिलो द बार्क। जैसे बार्क होता है छाल, पौधे की जो छाल होती है उसको बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बार्क। जैसे छाल है तो छाल के नीचे ये पाया जाता है। लेटरल जो होता है, छाल जो होती है पौधे की, जो सूखी सूखी सी ऊपर पाई जाती है, जैसे नीम वगैरह पौधा देखा होगा अगर आपने, नीम का पौधा है, आम का पौधा है, तो उसके ऊपर ये छाल होती है, छूट जाती है, बाद में छुटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर लेटरल जो होता है आपका बिलो द बार्क, बार्क के नीचे पाया जाता है ये टिश्यू, कैबियम इन डाइकोट रूट एंड द स्टेम। तो इन डाइकोट रूट में भी पाया जाता है और स्टेम में भी पाया जाता है, कैबियम में भी ये पाया जाता है। कौन सा? लेटरल वाला। इंटरकैलेरी कहाँ पाया जाता है? इंटर नोड ऑफ द स्टेम। ये दरअसल क्या होता है, जैसे तना होता है तो तने से नई ब्रांच निकलती है तो यहाँ एक गांठ सी बन जाती है, अगर आपने देखा हो तो, नई शाखा जब निकलती है तो वह गांठ से बन जाती है। तो इंटर नोड जो बनता है उसमें ये पाया जाता है इंटर कैलेरी वाला, तो जो गांठ होती है वो वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप हो जाते हैं। एक होता जाता है आपका, टू टाइप्स हो जाते हैं आपका, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक आपका हो जाता है सिंपल। तो टू टाइप में हमने देखा, एक कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल, ये किसके टाइप है? परमानेंट टिश्यू के। तो सिंपल की क्या खासियत है, सिंपल जो टिश्यू होते हैं इसकी क्या विशेषता है? टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ द सेल। दरअसल क्या होता है कि ये टिश्यू जो होते हैं सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं। टिश्यू कंपोज्ड ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सेल, ये सिर्फ सिंगल टाइप सेलों से मिलकर के बने होते हैं। और नेचर में ये कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं, सुरक्षा करने वाले। तो प्रोटेक्टिव होते हैं ये, प्रोटेक्टिव।
एंड सपोर्टिव होते हैं। सिंपल टिश्यू जो होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। कॉम्प्लेक्स की खासियत क्या होती है? ये कंडक्टिंग होते हैं, ये कंडक्शन करते हैं। किसका? इनके अंदर से चीज़ें जो होती हैं फ्लो करती हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर खून बहता रहता है वेंस में, आर्टरी में, इसी तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू, इसका टाइप है परमानेंट टिश्यू का, तो ये कंडक्शन करने देता है, फ्लो होने देता है चीज़ों को। टिश्यू ये होते हैं, ये वाले जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक से अधिक तरह की सेलों से मिलकर के बने होते हैं। तो आगे अभी हमें क्या पता करना है? अभी हमें एपिकल के बारे में और पता करना है, लेटरल के बारे में पता करना है, इंटरकेलेरी के बारे में और पढ़ना है डिटेल में, सिंपल के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो रुके रहिए इस वीडियो में, देखते रहिए, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो जैसा कि मैंने कहा था, अभी कुछ और भी बचा है पढ़ने के लिए। तो यहाँ अभी हमें ये देखना था कि सिंपल जो टिश्यू होता है उसके भी टाइप हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी पीछे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स, वीडियो में पीछे देख सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स जो लिखा था, तो कॉम्प्लेक्स के भी यहाँ पर टाइप हो जाते हैं। तो उन टाइप्स को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। तो जरा पहले सिंपल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोबारा दे दूँ, अगर आपका दिमाग भूल गया हो तो। प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग, ये प्रोटेक्टिव होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं, एक ही तरह की सेल से मिलकर के बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते। कौन से? सिंपल टिश्यू, ये टिश्यू की बात चल रही है, ध्यान रखना। आगे इसके अब टाइप हो जाते हैं। तो पहले आता है आपका पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में PARENCHYMA, पैरेन्काइमा एक टाइप हो जाता है इसका। क्या? पैरेन्काइमा, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका दूसरा जो सेकंड वन जो टाइप होता है वो होता है कॉलेन्काइमा। थर्ड वन होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पर स्क्लेरेन जो काइमा होता है ये, और पैरेन्काइमा ये सब इसके जो है कॉलेन्काइमा, ये सिंपल टिश्यू के टाइप है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स के कितने टाइप होते हैं। कॉम्प्लेक्स दरअसल होता है वो कंडक्टिंग होता है, जैसे बताया था, और ये बहुत सारी सेलों से मिलकर के बना होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। अगला, अब इसकी बात अगली ये आती है कि फ्लोएम और जाइलम में ये टूट जाता है। मतलब इसके भी टू टाइप होते हैं, एक तो फ्लोएम होता है और एक क्या होता है आपका जाइलम। तो फ्लोएम की अगर बात करें तो यहाँ पर सीबी ट्यूब, क्या आता है? सीबी ट्यूब। फिर आता है आपका कंपेनियन सेल, ये इसके टाइप है फ्लोएम के, फाइबर्स। ठीक है, तो सीबी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फाइबर, ये फ्लोएम के टाइप हो गए। जाइलम जो होता है, जाइलम बेसल से मिलके बना होता है, ट्रैचीड इसमें होती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर, इसमें भी फाइबर पाया जाता है। दरअसल क्या होता है, जितनी भी ट्यूब होती हैं दुनिया में वो सब फाइबर से मिलकर के बनी हुई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक माइंड मैप बना दिया, अगर आप ये कॉपी में बना लेते हैं और जब सारा कुछ पढ़ लेंगे तब फिर इन्हें एक सीरीज में रिमेम्बर करके, रिमेम्बर रखना मतलब याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को एक सीरीज में लिखा है, जोड़ करके लिखा है, जिससे क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो चीज़ों को जोड़ करके याद रखता है। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसे हमें पढ़ना है। इनको डिटेल में भी तो पढ़ना है भाई, या नहीं पढ़ना? तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में। नंबर वन, सबसे पहला यही मैंने लिखाया था, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो और फिर उसके दूसरा टाइप है उसका, सेकंड वन टाइप जो है वो लिखाया था आपको परमानेंट टिश्यू। तो फिलहाल जो है हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, और साथ में एपिकल मेरिस्टेम और इसके मैंने फिगर भी बनाया है, और सारे के सारे टाइप जो है कहाँ कहाँ कौन होता है ये भी मैंने लिखा हुआ है। ये टाइप किसके? मेरिस्टमैटिक टिश्यू के टाइप है। तो यहाँ जो एपिकल मेरिस्टेम जो दिया हुआ है वो बिल्कुल पीक पर है, चोटी पर है,
पौधे के या किसी के भी जड़ के, ये चोट मतलब ये पीक पर ही पाया जाता है, चोटी पर पाया जाता है। दूसरा जो आपका इंटरकिलेरी मेरिस्टेम है वो बीच में है, तो मैंने उसको इसी तरीके से मैंने वहाँ बीच में दिखा दिया है। ये आपके लेटरल लेटरल मेरिस्टेम है, उनको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो फिलहाल हम यहाँ चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एक बड़े शब्दों में। सबसे पहले डेफिनेशन क्या हो सकती है इनकी, ग्रोथ इन प्लांट इज नॉट यूनिफॉर्म। दरअसल क्या होती है कि ग्रोथ जो होती है प्लांट में वो यूनिफॉर्म नहीं होती, पौधे के इधर भी बढ़ते रहते हैं। अच्छा, सम टिश्यू हैव द पावर ऑफ द डिवीजन, कुछ टिश्यू के अंदर क्या होती है एक क्षमता होती है कि पावर होती है कि वो डिवीजन लगातार मतलब बढ़ते रहे। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि एक टिश्यू बन गया, फिर इसमें से डिवाइड हो गया दूसरा टिश्यू, तीसरा टिश्यू, इस तरह से टिश्यू जो होते हैं वो आपस में डिवाइड होते रहते हैं। वाइल अदर डू नॉट डिवाइड एट ऑल, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते। तो द टिश्यू विच हैव द पावर ऑफ द डिवीजन, जिनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपना खुद का विभाजन कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, आर नॉन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, उन्हें मेरिस्टमैटिक टिश्यू के नाम से जाना जाता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यू कंजिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल। दरअसल क्या होता है कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू, ये दूसरी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो पहली तो ये मैंने आपको बता दी, इसमें ये बताया था कि वे टिश्यू जिनके अंदर क्षमता होती है डिवीजन होने की, पावर मतलब डिवाइड होने की जो पावर होती है इनके अंदर, उन्हें मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं। आप इसमें दूसरे शब्दों में आप मैंने लिखी हुई है, ऐसे भी लिख के आ सकते हो डेफिनेशन, इनमें फिर जो भी आपको लर्न हो जाए जल्दी वो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है मेरिस्टमैटिक टिश्यू कंजिस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल्स। मेरिस्टमैटिक जो टिश्यू होते हैं वो ऐसे सेलों के ग्रुप से मिलके बने होते हैं विच रिमेन इन एक्टिव, जो क्या होते हैं हमेशा एक्टिव रहते हैं, मतलब उनकी सेलें जो होती हैं डिवाइड होती रहती हैं, एक्टिव होती हैं, एंड कंटिन्यूस स्टेट ऑफ द डिवीजन। तो एक्टिव भी रहती हैं और लगातार वो डिवीजन में भी रहती हैं। तो एक्टिव कब रहेंगी, कोई भी सेल एक्टिव जब भी रह सकती है वो जीवित हो, तो इससे साफ हो जाता है कि ये हमेशा जीवित रहती हैं इसकी सेलें, और इसी कारण बस कंटिन्यूस स्टेट ऑफ द डिवीजन, और लगातार ऐसी अवस्था में रहती हैं कि उनका डिवीजन होता रहता है। एंड दे रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन आर नॉन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, और दे आर रिटेन, और वो बनाए रखती हैं, दे माने बे रिटेन बनाए रखती हैं, देयर पावर ऑफ डिवीजन, अपनी जो पावर है डिवीजन की हमेशा बनाए रखती हैं। तो ऐसी ही सेलों को आर नॉन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, तो इसी तरह की सेलें आपकी क्या कहलाती है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ मैंने कुछ इंपोर्टेंट फीचर्स के बारे में लिखा है, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले है दे आर कंपोज्ड ऑफ द लिविंग एंड बेरिंग द एक्टिव सेल, ये लिविंग सेल से मिलकर के बनी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सेल होती हैं। एक्टिव इन्हें इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि प्लांट के जो इंटरनल बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है उनको इन्हें प्ले करना पड़ता है, बहुत सारे प्लांट बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको इन्हें प्ले करना पड़ता है, उनके उनके लिए इनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है कि वो फंक्शन चलते रहें, प्लांट के अंदर वो कार्य चलते रहें, पौधे के अंदर वो कार्य चलते रहें। और दूसरा पॉइंट है यूजली इंटरसेलुलर स्पेस इज एबसेंट। दरअसल क्या होता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब हो गया सेलों के बीच की जो जगह होती है वो एबसेंट रहती है, एबसेंट का मतलब होती नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा केस बनता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादातर स्थिति में क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल्स आर ओवल, सेल्स इनकी कैसी होती हैं, ओवल होती हैं, राउंडेड गोल होती हैं, ओवल शेप आपको बता दें इस तरह से, ये जो शेप है ये ओवल होती है, राउंडेड आप जानते हो, इन पॉलीगॉन या फिर ये पॉलीगॉन जैसी स्टेट में होते हैं, जैसे हेक्सागोनल पेंटागॉन इस तरीके से। तो ये सेलें इस शेप में पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, सबसे पहले ओवल किया, फिर बताया आपको राउंडेड और पॉलीगॉन शेप में पाई जाती हैं। सेल हैव द थिन सेल्यूलोज वॉल, सेल की बहुत ही पतली सेल्यूलोज वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी ही वॉल होती है, ऊपर से पाई जाती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एकदम स्पष्ट क्लियर न्यूक्लियाई होता है इनका, क्लियर प्रोमिनेंट का मतलब होता है स्पष्ट,
उभरा हुआ न्यूक्लियाई होता है इनका। न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस से ही है। सेल आर रिच इन द साइटोप्लाज्म, ये सेल है बहुत ही ज्यादा, इनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है विद द स्मॉल और नो वैक्यूल, या तो बहुत छोटा वैक्यूल होगा या बिल्कुल भी वैक्यूल इसके अंदर नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों है कि वैक्यूल इनका छोटा होना, बहुत छोटा होना अथवा कभी कभी नहीं पाया जाना, उसकी वजह क्या है? द वैक्यूल्स आर स्मॉल, वैक्यूल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इनके अंदर एबसेंट होते हैं, बिकॉज फंक्शन ऑफ द दिस सेल इज टू डिवाइड ओनली। तो फंक्शन जो होता है इन सेलों का सिर्फ डिवाइड होना होता है, मटेरियल को स्टोर करना नहीं, टू डिवाइड ओनली। तो इनका फंक्शन सिर्फ जो है वो क्या है, डिवाइड होना, नॉट टू स्टोर मटेरियल। ये दरअसल मटेरियल स्टोर नहीं करती हैं और इसलिए इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। अगर आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, चैप्टर फर्स्ट की वीडियो आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो दरअसल क्या होता है कि वैक्यूल जो होते हैं वो मटेरियल को स्टोर करते हैं, अमीबा जैसी पैरामीशियम जैसी सेलों में ये पाए जाते हैं। और वैक्यूल्स के अंदर ही कभी कभी क्या चलता है, वैक्यूल्स के अंदर ही उन छोटी छोटी यूनिसेलुलर सेलों के अंदर डाइजेशन भी चलता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा डिटेल में जानकारी किसके बारे में, सबसे पहला नंबर जो था मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बारे में। और साथ में आपको ये भी मैंने बताया कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, इंटरकलेरी मेरिस्टेम क्या है, इनके कहाँ पार्ट कहाँ मतलब ये पाए जाते हैं, लिटल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फिगर में आप देख सकते हो। तो अभी हमें इनके बारे में, एपिकल के बारे में, मेरिस्टेम के बारे में, इंटरकलेरी मेरिस्टेम के बारे में, लिटल मेरिस्टेम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू। तो अब हम इनके देखेंगे लोकेशन के बारे में, आखिर इनकी लोकेशन होती कहाँ है, तो मतलब ये कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। वैसे मैंने फिगर बनाया है उसमें पहले से बता रखा है कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। अब इनको रिटर्न फॉर्म में मतलब लिख करके आपको बता दूँ कि किस तरीके से इनकी लोकेशन को हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर मान लो कि पेपर में लिखने के लिए आ जाए मेरिस्टेम टिश्यू की लोकेशन लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले है लोकेशन जो मैंने लिखा हुआ है जिसके बारे में हमें जानना है। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर लोकेटेड मेनली इन द एपिकल रीजन, ज़्यादातर ये ऊपरी हिस्सों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जो नीचे जो तना होता है आपका, जो चौड़ा तना होता है पौधे का, उसमें ज़्यादा मतलब पाए तो जाते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं ये पाए जाते, क्योंकि इनका मुख्य काम होता है पौधे को ऊपर से ग्रोथ कराना, पौधे के ऊपर वाले हिस्से की ग्रोथ कराना। तो पौधा ऊपर जो ग्रोथ करता रहता है तो इन्हीं की वजह से ग्रोथ करता है। तो ज़्यादातर इनकी जो पोजिशन है रूट टिप पर या सूट टिप, रूट का मतलब होता है जड़ की बिल्कुल नोक पर पाए जाते हैं, अथवा सूट मतलब किल्ले की नोक पर पाए जाते हैं, सूट मतलब होता है किल्ला। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी। दीज आर ऑल्सो द प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट रीजन, और ये इंटरमीडिएट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इंटरमीडिएट रीजन का मतलब होता है बीच में उपस्थित होते हैं। इंटरकलेरी के बारे में मैंने लिखा भी था, इंटरकलेरी जो है मैंने दिखाया है आपको फिगर में, तो बीच में है। अच्छा, एंड आल्सो इन द कैम्बियम ऑफ द मस्कुलर बंडल, कैम्बियम एंड आल्सो इन द कैम्बियम, कैम्बियम का मतलब होता है ये छाल जो होती है उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं, जो पौधों की छाल होती है, किसी किसी की छाल जो होती है पौधे की फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, तो बाहर वाला जो हिस्सा है सेल का मतलब प्लांट का, उसमें भी ये पाए जाते हैं। ऑफ द बस्कुलर बंडल, बस्कुलर बंडल का मतलब हो गया कि जो संवहन करते, संवहन का मतलब कंडक्शन करते हैं, वहाँ पर भी उन ट्यूबों के अंदर भी, उन ट्यूब्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं, नलियों के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन मेरिस्टेम का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्हें क्लासिफाइड इन्हें लोकेशन के आधार पर किया गया, तो वहीं लिखा हुआ है मेरिस्टेम आर द क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पर पहले वाले को एपिकल, दूसरे को लैटरल, तीसरे को इंटरकलेरी। तो इनका मैंने जैसे फिगर में इनकी लोकेशन मैंने दिखाई हुई है उसी के आधार पर इनको बांटा गया है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।